हेलो एवरीवन मैं हूं निशा एंड आप सभी का मेरे चैनल माइडम प्रोजेक्ट पे स्वागत है तो गई आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं साड़ी हॉल जो कि अंडर फाइव हंड्रेड में होने वाले हैं और सभी बहुत ही ब्यूटीफुल फेस्टिव कलेक्शन होंगे ज़्यादातर मैं आपके साथ जो है बांधनी साड़ी शेयर करूँगी जो कि स्पेशली मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रटी लगा और जो भी पीसेज मैं दिखाऊँगी ना सभी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी होने वाले हैं बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होने वाली है और इन सभी को मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है क्योंकि फ्लिपकार्ट इस बैग दिस फेस्टिव सीजन विद ग्रेट ऑफर्स एंड डील्स ऑन एथनिक एथनिक्स तो एथनिक वेयर में आपको बहुत ही अच्छे खासे डील्स एंड डिस्काउंट देखने को मिलेंगे इस फेस्टिव सीजन में तो so, इस फेस्टिव सीजन में मेरा वन स्टॉप शॉप डेस्टिनेशन होने वाला है सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट फॉर माई एंटायर एथनिक कलेक्शन चाहे वो सूट्स हो साड़ी हो लहंगा हो चाहे वो डेली डेलीवेयर के लिए हो ऑफिस वेयर के लिए हो या फिर पार्टी वेयर हो वेडिंग वेयर हो कुछ भी हो सभी के लिए मेरा वन स्टॉप शॉप डेस्टिनेशन होने वाला है फ्लिपकार्ट तो दिस फेस्टिव सीजन आप भी अपना वाटर जरूर से रिफ्रेश कीजिए विध ट्रेंडियस एंड अफोर्डेबल एथनिक वेयर जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट मिलता है फ्लिपार्ट में आपको पांच लाख से भी ज्यादा ग्रेट क्वालिटी एंड ट्रेंडियस एथनिक वेयर लाइक सूट साड़ीस लहंगा आ, सभी देखने को मिलेंगे जो कि आपको अंडर फाइव हंड्रेड में मिल जाते हैं अंडर फाइव हंड्रेड में भी आपको ग्रेट क्वालिटी एंड ट्रेंडियस आउटफिट प्रोवाइड करती है सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट में आप अपने लोकल

डेस्टिनेशन बनाना है सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट को और आज मैं आपके साथ जो भी प्रोडक्ट शेयर करूंगी ना सभी प्रोडक्ट के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो आप जरूर से चेकआउट कर लेना एंड वीडियो अगर अच्छा लगे थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए और बात नहीं करते आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आज की वीडियो में सबसे पहले मेरे पास है एक बहुत ही प्यारा ग्रीन कलर का बांधनी सिल्क फैब्रिक का साड़ी और ये मुझे इतना ज़्यादा प्रटी लगाना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ इस तरीके की साड़ीज़ होती है ना जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी टू वेयर होती है इजी टू कैरी होती है एंड साथ ही साथ दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है तो बात करें इस साड़ी की तो सबसे पहले आपको इस तरीके का एक ब्लाउज का पीस मिल जाता है जो कि मरून कलर में आएगा बांधनी प्रिंट आप में पूरे में ही मिल जाता है एटी सेंटीमीटर का ब्लाउज का पीस आएगा साड़ी कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो जाती है ग्रीन एंड मरून का कॉम्बिनेशन है आपको इस तरीके से बॉर्डर देखने को मिलेगा जिसका प्रिंट आप देख ही सकते हो एंड ऑल ओवर में आपको इस तरीके से प्रिंट मिल जाता है तो देख सकते हो ऊपर में एंड नीचे में दोनों तरफ आपको सेम बॉर्डर मिलेगा एंड पूरे ही साड़ी में आपको ऐसा ही प्रिंट रिसीव हो जाता है और पल्लू की अगर बात करें तो पल्लू आपको कुछ इस तरीके से रिसीव होगा जिसमें आपको बहुत ही प्यारा सा कलरफुल प्रिंट मिलेगा मरून कलर के ऊपर में ब्लू गोल्डन येलो का इस तरीके से आपको जो है प्रिंट देखने को मिलता है एंड साइड में आपको इस तरीके से टैसल भी मिल जाता है ग्रीन कलर का इस साड़ी को आप ग्रीन कलर के ब्लाउज के साथ या फिर मरून कलर के ब्लाउज के साथ पेयर कर सकते हो एंड इसका जो फैब्रिक है ये है सिल्क एंड बहुत ज़्यादा शाइन वाली फैब्रिक है और इसे आप फेस्टिवल में भी ईजिली पहन सकते हो अच्छे से ज्वेलरी वगैरह पहन लो तो बहुत ही सुंदर लुक आएगा इवन आप फेस्टिवल के बाद भी किसी भी छोटे मोटे फंक्शन में ओकेजन में डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो और मुझे बहुत ही प्यारा लगा ये वाला पीस तो ये मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगी सेकेंड आई हैव अगेन ब्लू ग्रीन वाइट के कॉम्बिनेशन का एक साड़ी जो कि मैंने ट्राई uh, ऑन किया था तो मैं इस तरीके से आपको नहीं दिखा पा रही तो चलिए हम देख लेते हैं इसका सबसे पहले तो ब्लाउज का पीस तो इस तरीके से आपको 80 सेंटीमीटर का ग्रीन कलर का ब्लाउज का पीस मिलेगा तो लुक एट द शाइन बहुत ज़्यादा प्यारा फैब्रिक है एंड पूरे में ही आपको इस तरीके से बांधनी बंधेज वाली जो प्रिंट मिल जाती है बांधनी प्रिंट मिल जाती है तो इस तरीके से आपको 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज़ का पीस आएगा साड़ी की अगर बात करें तो साड़ी आपको कुछ इस तरीके की मिलेगी साड़ी स्टार्ट हो जाती है जहां पर आप देखोगे ऊपर के पार्ट में आपको ब्लू मिलेगा मिडिल तो सुंदर लग रहा है एंड लुक एट द शाइन ऑफ दिस सिल्क का साड़ी बहुत ही अच्छा शाइन कर रहा है और देखोगे आपको नीचे में इस तरीके से एक गोल्डन कलर का बॉर्डर भी रिसीव होगा एंड पूरा ही साड़ी आपको इसी तरीके से आता है इसमें आपको पल्लू में कुछ अलग डिज़ाइन नहीं मिलता पूरा साड़ी ऐसे ही आता है चारों तरफ आपको सिर्फ ये वाली बॉर्डर देखने को मिलेगी और ये वाला जो साड़ी है ना इसे भी मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगी इसे आप ब्लू कलर के ब्लाउज के साथ ग्रीन कलर के ब्लाउज़ के साथ वाइट कलर के ब्लाउज के साथ किसी के साथ भी वेयर करो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है एंड इसे भी आप फेस्टिवल में इजीली कैरी कर सकते हो अगर आपको कुछ लाइट वेट पहनना है ज़्यादा हैवी नहीं पहनना तो दिस काइंड ऑफ साड़ी इज़ वेरी अप्रोप्रिएट फॉर दिस फेस्टिव सीज़न तो आप ज़रूर से ट्राई करके देखें नेक्स्ट मेरे पास है एक बहुत ही प्यारा ब्लू एंड रेड के कॉम्बिनेशन का साड़ी तो ये जो है कुछ इस तरीके की साड़ी आएगी सबसे पहला तो ये ब्लाउज का पीस आपको रिसीव हुआ रेड कलर में इस तरीके से आपको बांधनी प्रिंट रिसीव होगी इसका भी फैब्रिक है सिल्क एंड बहुत ही अच्छा शाइन वाली फैब्रिक है बहुत ही लाइट वेट है तो इस तरीके से आपको ऊपर वाला बॉर्डर आपको इस तरीके से प्रिंट में आएगा रेड कलर के ऊपर में ब्लू कलर का प्रिंट प्रिंट एंड मिडिल पार्ट में आपको पूरा ही साड़ी ब्लू मिल जाता है एंड बहुत ही सुंदर सा प्रिंट भी है नीचे में आपको सेम प्रिंट रिसीव होगा जैसे कि आप देख सकते हो पूरा ही साड़ी आपको इसी तरीके से रिसीव हो जाता है एंड uh, आपको पल्लू कुछ इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा रेड कलर के ऊपर में इस तरीके से प्रिंट आपको रिसीव होगा देखोगे साइड में तो इस तरीके से आपको टैसल भी रिसीव हो जाती है एंड इस साड़ी की भी बहुत ही सुंदर एक जो है शाइन दे रहा है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे तो आप इसे भी देख सकते हो बहुत ही अफोर्डेबल uh, साड़ीज़ हैं इन्हें आप uh, फेस्टिवल में ट्राई कर सकते हो इवन अगर आप डेली वेयर के लिए भी पहनना चाहते हो कहीं मार्केट जा रहे हो कहीं आउटिंग में जा रहे हो अगर आपको साड़ी वेयर करना है थोड़ा सा एलिगेंट दिखना है तो इस तरीके के पीसेस आप ज़रूर से पहने कंफर्टेबल रहता है पहनने पे एंड लाइट वेट भी रहता है तो इस तरीके से पीसेस आप uh, जो है ट्राई कर सकते हैं आई हैव दिस ब्यूटीफुल ब्लैक कलर की साड़ी क्योंकि ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है तो ब्लैक में कोशिश करती हूँ इंक्लूड करना तो इसकी मैं सबसे पहले दिखाऊंगी ब्लाउज़ की पीस तो ब्लाउज़ का पीस आपको इस तरीके से रेड कलर में आता है जो कि देख ही सकते हो थोड़ी तो सी पॉलिस्टर काइंड ऑफ़ फैब्रिक है और साइड में आपको इस तरह से बॉर्डर रिसीव हो जाता है इसे पहनने के लिए आपको अंदर में एक अच्छा लाइनिंग देना पड़ेगा इसकी जो फैब्रिक है मुझे थोड़ी सी ओके ओके लगी पहनने लायक है बट इसे आपको अच्छे से सिलवाना पड़ेगा तो ये था इसका ब्लाउज़ का पीस इसके साथ हमें जो है कुछ इस तरीके का साड़ी रिसीव हुआ है जैसे कि देख सकते हो ब्लैक कलर के ऊपर में आपको रेड येलो ग्रीन का इस तरीके से प्रिंट मिलेगा तो ये जो प्रिंट है पूरे ही साड़ी में मिलता है अलग से कोई बॉर्डर वगैरह नहीं है सिर्फ आपको नीचे में इस तरीके से रेड कलर की बॉर्डर रिसीव होगी तो इससे से टैसल काइंड ऑफ आपको बॉर्डर रिसीव हो जाती है जो कि पूरे जो कि पूरे ही साड़ी में आपको दी गई है पूरा साड़ी आपको सेम प्रिंट का ही आएगा एंड ये वाली जो टैसल है वो यहाँ पर पल्लू के यहाँ पर जो है दोनों तरफ दी गई है एंड पल्लू में कोई अलग सा प्रिंट नहीं है सेम प्रिंट आपको मिलेगा और इसका जो फैब्रिक है ये है जॉर्जेट और ये भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे पहनने पर बहुत सुंदर लग रहा था और इसका जो फैब्रिक है ना जॉर्जेट ये बहुत ही सॉफ्ट है वो बहुत ही बेकार सा जॉर्जेट नहीं है तो आप इसे भी ले सकते हो आ, नेक्स्ट एंड इस हॉल का लास्ट जो पीस मैं दिखा रही हूँ ये एक विविंग वाली बनारसी लुक वाली साड़ी है लाइक देख सकते हो तो ये जो है कुछ इस तरीके की साड़ी आएगी पूरा ही साड़ी आपको इसी तरीके से छोटी छोटी बूटियों के साथ रिसीव हो जाती है तो मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ सबसे पहले तो इसमें आपको ब्लाउज पीस दिखा देती हूँ तो ब्लाउज पीस की अगर बात करें ना तो ब्लाउज़ आपको कुछ इस तरीके से प्लेन में रिसीव होगा एंड इसमें आपको बॉर्डर रिसीव हो जाता है जिसे आप स्लीव में लगवा सकते हो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा प्लेन आएगा एंड मिडिल पार्ट में देखोगे तो इस तरीके से आपको साड़ी रिसीव हो जाती है ऊपर में आपको इस तरीके से बॉर्डर मिलेगा जो कि थोड़ा सा आ, पतला है बॉर्डर एंड पूरे ही साड़ी में आपको इस तरह से छोटी छोटी बूटियाँ रिसीव हो जाती है लुक लुक एट द डिज़ाइन और देख सकते हो पूरा ही विविंग का वर्क है कोई भी प्रिंट वगैरह नहीं है अंडर फाइव हंड्रेड की साड़ी है एंड अकॉर्डिंग टू प्राइज आपको बहुत ही अच्छा पीस रिसीव हो रहा है कह सकती हूँ तो ऑल ओवर आपको इसी तरीके से रिसीव होगी नीचे का जो तो बॉर्डर है वो आपको बहुत ही ब्रॉड सा रिसीव होगा लाइक देख ही सकते हो बहुत ही ब्रॉड ह्यूज ब्रॉड सा आपको बॉर्डर रिसीव हो जाता है एंड पूरा ही साड़ी आपको सेम इसी तरीके से रिसीव होगा एंड पल्लू की अगर बात करें तो पल्लू में आपको इस तरीके से बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन मिल जाता है पल्लू इसका देखोगे तो ये भी बिल्कुल विविंग का वर्क है पूरा ही साड़ी आपको विविंग में ही आती है कोई भी प्रिंट नहीं है अगर आप सोच रहे हो कि अंडर फाइव हंड्रेड रुपीज़ में आपको विविंग की साड़ी नहीं मिल सकती तो यू आर रॉन्ग आपको बहुत ही सुंदर सुंदर विविंग वाली साड़ी फ्लिपकार्ट में देखने को मिल जाती है तो आप डेफिनेटली उन्हें भी देख सकते हो एंड इस साड़ी का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आपको ब्लैक कलर की इतनी सुंदर साड़ी लेनी है अंडर फाइव हंड्रेड में तो जरूर से आप फ्लिपकार्ट को चेकआउट कीजिए बहुत ही सुंदर सुंदर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे तो जी हाँ ये था इस हॉल का लास्ट पीस और ये था आज का मेरा हॉल आज का कलेक्शन आई रियली होप कि आज का कलेक्शन आपको अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जा